हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर एक्सरसाइज सॉल्यूशन क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का। तो सुबह हमने इसके कुछ क्वेश्चंस किए थे, आपको कुछ फार्मूले भी बताए थे, कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे कैसे आपको इनको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे सर्किट्स जुड़ी होती हैं, कैसे पता करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हम आज करने वाले हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज इलेक्ट्रिसिटी का सोल्यूशन। हम पहले जो थोड़ा सा बच्चों के लिए जो प्रॉब्लम करते हैं क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को पहले कवर करेंगे, ठीक है। तो हम करने वाले हैं क्वेश्चन 3, ठीक। क्वेश्चन 2 के बारे में मैंने मॉर्निंग लेक्चर में आपको बता दिया था कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिस पर जो है वोल्टेज दे रहा है इतना। सपोज करो कि आपका बल्ब है, इस पर जो सप्लाई है 220 वोल्ट है, दैट इज V1, एंड इसके पावर जो है, इसकी पावर P1 वो है आपका 100 वोल्ट। अगेन कंडीशन 2 है कि आप इसी बल्ब को ऑपरेट करना, यानी बल्ब सेम रहेगा बट इसकी कंडीशन कुछ चेंज हो रही है, यानी इसकी पावर क्या होगी अगर इसको 220 वोल्ट ना देकर के कितना वोल्ट सप्लाई दिया जाए, 110 वोल्ट, ठीक है। तो कह रहा बताइए अब इसकी पावर कितनी होगी। तो देखिए कुछ ऐसा कॉमन है इन दोनों क्वेश्चन में, जी बिल्कुल कॉमन है रेजिस्टेंस। अगर बल्ब सेम है तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो जब रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो पहले आप इसका फॉर्मूला यहां से रेजिस्टेंस कैलकुलेट करिए। तो P इक्वल क्या होता है, VI, बट आपको ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिससे आपका P R कैलकुलेट हो जाए। यहां तो R है नहीं, तो ये फॉर्मूला हम पावर का यूज नहीं कर सकते। मॉर्निंग आपको बहुत सारे फॉर्मूले मैंने कैलकुलेट करके बताए थे वीडियो में, तब यहां पर हम क्या कराएंगे, V²/R। हमें आई तो दिया नहीं था, हमें R निकालना था। आर आप इस साइड ले जाएंगे तो पी इस साइड आ जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V²/P। नाउ वैल्यू ऑफ वी इज 220, बट स्क्वायर मींस 220 डिवाइड पी, पावर इज 100 वॉट, 0 0 कैंसिल, 222 का 22 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 04, ये ट्रिक होता है, 484, वो कभी हम आपको अलग से बताएंगे कि कैसे निकलता है। देखिएगा ये जो R है बल्ब का, वही R या इसका R सेम इसका R होगा। तो अब अगेन यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बट इसमें क्या अनोन है चेक करिएगा, P2 इक्वल, ये P1 ले लीजिए, P2 इक्वल V²/R, R तो सेम है, V की वैल्यू आपको गिवन है, V2 कर लीजिए, यहां V1 कर लीजिए, R तो रहने दीजिए। तो चलो जी, V1 की वैल्यू कितनी है, 110, और अगेन 2 टाइम्स है तो 110, R की वैल्यू कितनी है आपके, यहां से कैलकुलेट किया आपने, 484। अब सॉल्व कर लीजिए आप, देखिए आप इसको कैंसिल करिए 11 से, 11 4 44 4 बचेगा 11 4 44 11 10 जा अगेन कर लीजिए 11 10 जा 11 से कर लीजिए 4 2 से करिए 2 2 जा 2 5 जा 2 से करिए 2 2 जा 2 5 जा 5 into 5 25 watt। मैंने आपको बता दिया था कि पावर की यूनिट क्या, जितने भी मोस्टली इस चैप्टर में फॉर्मूले आते हैं उन सारे फॉर्मूले की यूनिट के साथ मैंने उनका फॉर्मूला सुबह बता दिया था, तभी मैं रिसेंटली इनका जो आंसर आने वाला है वो है 25 वॉट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अगेन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या डेटा है, देख लीजिए। क्वेश्चन एट कह रहा है आपका कि एक जो है बैटरी है वो कितनी वोल्ट की, 12 वोल्ट, यानी V दे रखा है 12 वोल्ट, एंड अक्रॉस अनोन रजिस्टर देयर इज अ करंट इन 2 mA, यानी करंट दे रखा है आपका 2.5 mA, बट 1 mA में होता है 10^-3, यानी 1 mA इक्वल होता है 10^-3 A। तो इसके अकॉर्डिंग 2.5 × 10^-3 A हो जाएगा, करंट आ गया, रेजिस्टेंस कह रहा अनोन है, अनोन मीन्स उसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो कह रहा वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, तो देखिए अगेन ओम्स लॉ आप लिख देना, बट V इक्वल क्या होता है, IR, आपको R चाहिए तो V साइड लाइए, I साइड लाइए, क्या आ गया, V की वैल्यू आपके पास है 12 वोल्ट, I की वैल्यू है 2.5 × 10^-3, एक्सपोनेंट पावर का रूल ये कहता है कि अगर डिनोमिनेटर पावर माइनस है आप न्यूमरेटर में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये पावर जब ऊपर करते हैं आप तो क्या हो जाता है 10^+3, पॉइंट इसका हटा दीजिए, एक काम करते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 12,000, और यहां क्या है 2.5, अगर इसका पॉइंट नीचे आता होता 10, 5 5 जा 5 2 जा
टू फाइव से सेपरेट कर दीजिए, फाइव टू जा टेन, फाइव फोर जा ट्वेंटी, इतना और ये टू पर आपके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली होने वाला है टू फोर डबल जीरो मल्टीप्लाई टू इक्वल आर, ये हो गया 48 इतना ओम आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, आप आंसर क्रॉस चेक करते रहना, मे बी समटाइम्स मिस हो जाता है कोई भी नंबर या अल्फाबेट, तो उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। एट क्वेश्चन नंबर हो गया। नेक्स्ट सम टाइम्स, देखो इसे किलो ओम भी लिख सकते हैं आप, वन किलो ओम में थाउजेंड ओम होगा, तो आप इसे किलो ओम में बदलेंगे तो यहां थाउजेंड से क्या कर दीजिए डिवाइड, 4.8 किलो ओम भी इसे लिख सकते हैं, तो डेटा वही है, आपको प्रॉब्लम होगी तो पूछ ले सकते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर करते हैं हम, टेन काफी अच्छा क्वेश्चन है, टेन काफी अच्छा इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं क्वेश्चन नंबर टेन, उससे पहले इलेवन करते हैं। देखिए इलेवन भी बहुत अच्छा है, एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन इलेवन देखिए, क्वेश्चन इलेवन में ये कह रहा है कि आपके पास दो रेजिस्टेंस हैं और दोनों रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस है वो सिक्स ओम है, जैसे सिक्स ओम, और एक रेजिस्टेंस और है ये आर वन ले लीजिए आप, एक और है आर टू, ओके आर टू, आर टू का भी सिक्स ओम दे रहा है। क्वेश्चन ये है कि इन दोनों को कैसे ऐड किया जाए कि जब इनको सॉल्व किया जाए तो टोटल रेजिस्टेंस आपका फोर ओम आना चाहिए। तो दो ही कॉम्बिनेशन आपके पास है सर्किट को रेजिस्टेंस को जोड़ने के लिए, या तो सीरीज में जोड़ सकते हैं या पैरेलल। तो पहले आप समझिए, अगर आप इन दोनों को सीरीज में जोड़ते हैं तो आर सीरीज का फार्मूला डायरेक्ट होता, सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व ओम आ जाता, तो वो नहीं आएगा जो तुम्हें चाहिए, कह रहा रिजल्ट होना चाहिए फोर ओम या तो नाइन ओम, तो नहीं आया जी। मीन्स आप दोनों को डायरेक्टली सीरीज में जोड़ नहीं सकते। अगेन अगर आप पैरेलल जोड़ते तो आपको डायरेक्ट, आज मॉर्निंग में लेक्चर में आपको बताया गया था, किसी भी दो रेजिस्टेंस को अगर आप डायरेक्टली निकालना चाहते हो टोटल रेजिस्टेंस कैसा होता है, तो क्या करते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई ऐड, उन्हीं दोनों को ऐड कर दीजिए, सिक्स प्लस सिक्स दैट इज ट्वेल्व। देखिए सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स टू जा टू, वन जा टू थ्री, चेक करिए अब भी आपका टोटल रेजिस्टेंस फोर भी नहीं आया नाइन भी नहीं आया। मीन्स ये है कि आप इन दोनों को टुगेदर ना ही सीरीज में ऐड कर सकते हैं ना ही पैरेलल में। तो हम क्या करते हैं, आप चेंज करते हैं, हम क्या करते हैं, सॉरी कितने रजिस्टर थे, सॉरी यहां थ्री रजिस्टर थे, तीन को जोड़ेंगे तब भी नहीं आएगा बच्चे, क्योंकि ये देख लीजिए आप तीन जोड़ते तो 18 होता, ठीक है तब भी नहीं आया, तीनों को पैरेलल जोड़ेंगे तब भी नहीं आएगा। तो आप क्या करिए, पहले को सीरीज और दो को पैरेलल में जोड़ लीजिए, फिर क्या करेंगे दूसरे केस में, दो को सीरीज एक को पैरेलल में जोड़ेंगे। तो चलो करते हैं जरा, पहले हम फर्स्टली क्या करते हैं, दो को सीरीज में जोड़ते हैं, तो सीरीज में जोड़ने के लिए रजिस्टर को एक साथ जोड़ देते हैं, उसी लाइन में जोड़ देते हैं, पैरेलल के लिए एक अलग सिल करिए, आपका पैरेलल हो गया, यानी सिक्स ओम सिक्स ओम सिक्स ओम। अब चेक करते हैं जरा, देखिएगा ये दोनों सीरीज हैं तो आर सीरीज में कितना होगा इनकी वैल्यू, सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व आ जाएगा। अब ये इसका नया फिगर क्या होता देखिए जरा, नया अगर देखते तो कैसे बनता, इन दोनों को आपने ज्वाइन करके एक बना दिया, कितना हुआ ट्वेल्व, तो आप एक रजिस्टेंस बनाइए यहां पर, ये हो गया 12 और ये हो गया 6। अगेन अब इन दोनों को पैरेलल में जोड़ना है तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन्हीं दोनों को ऐड करो, 12 और 6 18, 6 1 जा 6, 6 3 जा 3, 1 जा 3, 4 जा, देखिए इक्विवेलेंट कितना आ गया 4 ओम। यानी आप चाह रहे थे इन तीनों को ऐसा कनेक्ट करें कि टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम हो, तो फर्स्ट टू को सीरीज और एक को पैरेलल में जोड़ना होगा, तो आपका टोटल क्या आ जाएगा जी, 4 ओम आ जाएगा। सेम केसेस का कि अब आप क्या करें, दो को पैरेलल कर दीजिए और एक को सीरीज, जैसे दो को पैरेलल करना है, दो को पैरेलल कर दिया और एक को सीरीज, ठीक है जरा देखते हैं फिर। अब आप इन दोनों को पैरेलल ऐड किया तो अभी आपने दो रेजिस्टेंस का पैरेलल, देखिए सिक्स और सिक्स पैरेलल में, तो डायरेक्ट टोटल रेजिस्टेंस कैसा निकलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 12 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा, तो ये इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस आया 3 ओम। तो नया फिगर कैसे बना हुआ जरा चेक करें, इन दोनों को जोड़कर एक सेट बनाना है रेजिस्टेंस, देखिए ये दोनों को ऐड कर दिया एक बन गया और उसकी वैल्यू कितनी है जी 3 ओम। इनके साथ कनेक्ट किया था एक और था जिसकी वैल्यू कितनी है जी 6 ओम, तो चेक करिए अब ये दोनों कैसे जुड़े जी सीरीज में, तो सीरीज में जोड़ दीजिए तो आर सीरीज कितना आया 3 प्लस 6,
यानी 9 ओम। अकॉर्डिंग टू रिजल्ट जो आपको चाहिए था कि कैसे कनेक्ट किया जाए इन दोनों को, किस तरीके से अरेंजमेंट करें कि 4 और 9 आए, तो आसान था। फर्स्ट टू को सीरीज एंड एक पैरेलल, फिर टू को पैरेलल एक सीरीज, टोटल रेजिस्टेंस आपका 9 ओम आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 15। मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो मेरे ऑफलाइन क्लासेस में कुछ लोगों को रिक्वायरमेंट है, ठीक है। टाइम बहुत कम है आपके पास, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल नहीं कर सकते क्योंकि हमने चैनल भी बहुत लेट शुरू किया। अदरवाइज नेक्स्ट सेशन से आपको प्रॉपरली एक एक चैप्टर का एक एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व मिल जाएगा वीडियो में, ठीक है। तभी के लिए आप कर लीजिए, मे बी आपके लिए हेल्पफुल हो। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं टू लैंप। सपोज करते हैं लैंप वन के लिए क्या कह रहा है कि इसकी पावर, लैंप वन है तो पावर पी वन ले लेते हैं 100 वॉट, और इसकी सप्लाई दूर दूर रखी है वी वन, वो है 220 वॉट। अगेन एक है लैंप टू, तो लैंप टू के लिए क्या करते हैं, डेटा देखते हैं क्या है। लैंप टू के लिए कह रहा है पावर है कि पी टू 60 वॉट और V2 है आपका 220 वॉट, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि बताइए व्हाट करेंट इज ड्रॉन इन द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज 220, ओके, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक सर्किट मेन सप्लाई, व्हाट करेंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220। टू लैंप्स, वन रेटेड इतना एंड अदर इतना, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इन दोनों लैंप को पैरेलल में कनेक्ट किया गया, तो हम देखते हैं, चलो देखो लैंप वन L1 कर देते हैं, ऐसे कनेक्ट हो गए हैं पैरेलल में। लैंप टू, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है जी, यहां से सप्लाई दिया गया, दोनों को देखो सप्लाई दी गई है सेम, इसलिए हम V2 ना करके V लिख देते हैं क्योंकि दोनों की सप्लाई सेम है, यहां से 220 वोल्ट। यहां पे पावर दे रखा है इसका P1, इसकी पावर दे रखी है 100 वॉट और यहां पर पावर दे रखा है आपको 60 वॉट। अब पूछ रहा है बताइए इन दोनों में कितनी करंट ड्रॉन होगा लैंप वन और लैंप टू में। तो मॉर्निंग में एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन की खास बात होती है कि इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड नहीं होता। जैसे आप सपोज करो ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो अगर इसमें 10 एम्पियर करंट जा रहा है तो 100% इसमें भी 10 जाएगा, पैरेलल उल्टा होता है, इसमें करंट डिफरेंट जाएगा और इसमें करंट डिफरेंट जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए दोनों लैंप में कितनी करंट जाएगी। तो दूसरी खास बात क्या है आपको इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वी चेंज नहीं होता, वी वही रहेगा, इसीलिए देखिए P1 में भी 220 वोल्ट दिया है, P2 में भी कह रहा है, दोनों को सेम मेन सप्लाई जुड़ा है, दोनों की पावर सेम है। अगर ये पैरेलल में जुड़ रहे हैं, अगर सीरीज में होता ना तभी डेटा अलग होता क्योंकि दोनों में अलग अलग पावर जाती है, ठीक है। तो यहां से क्या करते हैं, देखिए क्या फॉर्मूला है, आपको निकालना करंट है, एक पावर के कई सारे फार्मूले, एक फार्मूला तभी आपने देखा मॉर्निंग में मैंने बताया था, पावर के बहुत सारे फार्मूले, पावर इक्वल वी आई, पावर इक्वल एक और होता है H अपॉन T होता है, ये एक नया निकाल के बताया था, फिर पावर इक्वल होता है V2/R होता है, ऐसे बहुत सारे फार्मूले थे। अब आप सोचो आपके पास डेटा क्या है, कैसे पता कर रहे हैं कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है। आप चेक करो आपके पास P है और V है, V कैसे है, जो 220 वोल्ट है वही यहां पर है, तो करंट निकालने के लिए देखो R की बात ही नहीं कर रहा, ये नहीं लगा सकते, हीट दिया ही नहीं, ये भी अप्लाई नहीं कर सकते, ये अप्लाई करिए ना जी, सिंपल P इक्वल क्या है VI। तो यहां देखिए फॉर लैंप वन या करंट इन लैंप वन लैंप वन की बात करेंगे तो P इक्वल क्या है VI, तो I1 ले लेते हैं, P1 लेते हैं, V नहीं चेंज करते, V दोनों के लिए इक्वल है, तो देखो P1/V1 = I1 हो जाएगा। तो P1 की वैल्यू कितनी है 100 वॉट और P2 की वैल्यू कितनी थी, V की वैल्यू है 220। आप डिवाइड कर दीजिए, आपका करंट आ गया किसमें, लैंप वन में, दो जीरो कैंसिल, 1/2 मतलब होता है 0.5 एम्पियर। बच्चे इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज आपका जो है, फिर अगर आइए अगर मैं लैंप टू की बात करूं तो लैंप टू की बात करते हैं तो करंट आएगा I2 इक्वल सीधे होगा P2/V। अभी देखिए P2 की वैल्यू कितनी है जी 60 वॉट और V की वैल्यू अगेन है 220, तो कैंसिल हो गया, 2 3 2 से कर देंगे 11, तो ये 3/11, इसको सॉल्व करेंगे पॉइंट लेके तो 0.1
जीरो पॉइंट आप डिवाइड कर दीजिए, इसका आएगा देखिए ये रहा पॉइंट लिया जी, जीरो अभी भी छोटा है, फिर जीरो बढ़ा के जीरो, इलेवन नाइन जा नहीं सही तो था, इलेवन वन जा इलेवन, इलेवन टू जा ट्वेंटी टू, यहाँ टू टू समथिंग इतना एम्पियर आएगा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220, ठीक है, व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई। सुनिए सप्लाई ये तो मैंने इंडिविजुअल निकाला, इसमें करंट जा रहा था आपका 0.5, इसमें करंट जा रहा था 0.22 समथिंग, मेन सप्लाई का मतलब है कि यहां से करंट कितना जा रहा है, ठीक है, तो यहां करंट कौन जाएगा, इन दोनों का सम, जो यहां करंट जा रहा हो दोनों में वही तो टोटल आएगा यहां से सप्लाई, सप्लाई तो मेन है, तो यहां पर टोटल करंट आई टोटल हो जाएगा आई वन प्लस आई टू, आप सम कर दीजिए 0.5 प्लस यहां कितना आने वाला, और एक दो डिजिट ले लेते हैं 8 आएगा, फिर ऑटोमेटिकली 0 11 7 जा 0.27 समथिंग, आप ऐड कर दीजिए आंसर आपका, ये टोटल सप्लाई यहां से आएगा, अगर इंडिविजुअल पूछता तो यहीं छोड़ देते, लेकिन आंसर कह रहा है कि बताइए सोर्स कितना सप्लाई दे रहा है, तो सोर्स इन दोनों को प्लस करके लगे, तो ये आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगेन क्वेश्चन नंबर आप कर लीजिए 16, बहुत अच्छा है, में कह रहा है कि आपके पास जो है दो डिवाइसेस हैं, एक है टीवी सेट, टीवी को की पावर है 220 तो फॉर टीवी, टीवी मतलब टेलीविजन, पावर दे रखा है 250 वॉट और इसे चलाया जाता है टाइम डिलेयर टीवन 1 आवर के लिए। अगेन आपके पास एक टोस्टर है, टोस्टर की पावर और टाइम दे रखा है फॉर टोस्टर, टोस्टर इसकी पावर P2 ले लेते हैं, पावर दे रखा है 1200 वॉट और इसका टाइम दे रखा है T2 10 मिनट। पहली बात तो यहां से आपको यूनिट चेंज करना पड़ेगा, देखिए ये मिनट है, आप इसे बदल चेंज करिए आर में, तो 10/60 हो जाएगा, आर कैंसिल हो गया, आएगा 1/6 आर, ठीक है। अब आप देखिए इसके में कह रहा है कौन ज्यादा एनर्जी लेता है, अगर टेलीविजन को आप चलाते हो 1 घंटे के लिए तो इसकी पावर ये है तो ये ज्यादा एनर्जी लेगा, या फिर आप टोस्टर को जो कि तुम 10 मिनट के लिए चला रहे हो तो एनर्जी कौन ज्यादा लेगा, तो एनर्जी आप मॉर्निंग में बताया था पावर इक्वल होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क को ही कहा जाता है एनर्जी, तो मान लेते हैं इवन टाइम दिया T1 पावर है P1, हम इसके कैलकुलेट कर रहे हैं, तो P1 मल्टीप्लाई T1 इज इक्वल टू एनर्जी 1, P1 की वैल्यू है 250 और टाइम की वैल्यू है 1 आवर। एक चीज और, ये वॉट में होता है तो वॉट और यहां पर 1 आवर, मैं ये क्यों लिख रहा हूं अभी बताता हूं आपको, वॉट आर आर यहां लिखना क्यों जरूरी है, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 वॉट आर आएगा, ठीक है, एनर्जी 1 आ गया। अगेन यहां कैलकुलेट करिए P2 T2 डायरेक्टली कर देते हैं इज इक्वल टू आ गया E2, T2 की वैल्यू है 1200 वॉट एंड T2 की वैल्यू है 1/6 आर इज इक्वल टू E2, यहां से कट कर दीजिए 200 वॉट, तो 200 वॉट आवर। देखिए कंपेयर तभी कर सकते हो बच्चे जब यूनिट सेम हो, अगर यहां किलो वॉट होता तो नहीं होता, इसलिए हमने वॉट आवर लिखा जिससे आपको समझ में आए कि यूनिट सेम है तब आप कंपेयर कर सकते हैं। तो कौन मोर एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, टेलीविजन, टेलीविजन आपका एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। देखो यहां से चीज और समझना था आपको कि सर इसकी पावर तो बहुत ज्यादा है, जब पावर ज्यादा है तो पावर का एनर्जी से रिलेशन क्या फॉर्मूला, देखो पावर ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, बट यहां ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि टाइम की इनवर्सली है ना, रिलेशन समझो फॉर्मूले को, सुबह भी मैंने बताया था जब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, फिजिक्स में एक खास बात होती है, एक कॉन्सेप्ट समझ लो मेरी तरफ से, कि जब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से कंपेयर करते हैं तो 99.55 आप कह सकते हो कि डेटा इंक्रीज होगा, और जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कंपेयर करते हैं तो एक इंक्रीज होगा तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज होगी, तो पावर का रिलेशन एनर्जी से है, इसकी पावर ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा लेगा, लेकिन क्यों एनर्जी इसकी कम आ रही है, क्योंकि तुमने इसे बहुत कम समय के लिए चलाया है, चेक करिए केवल 10 मिनट के लिए चलाया है और इसे कितने में चलाया है 1 घंटे के लिए, तो टाइम के साथ की रिलेशन क्या है पावर का, चेक करो टाइम विल इंक्रीज तो पावर विल डिक्रीज एंड टाइम विल, इन दोनों के रिस्पेक्ट की वजह से क्या हो रहा है कि वैल्यू डिफरेंट आ रही है, तो इसलिए कौन ज्यादा पावर ले रहा है, टेलीविजन, ठीक है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, क्लियर, ये भी क्वेश्चन हो गया।
सिमिलरली आज जो ये लिखा हुआ है 18 वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरेटिकल है। अगेन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, और फिर 10 के बाद भी अच्छा क्वेश्चन है काफी इधर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहना चाह रहा है कि आपको वन रेजिस्टेंस दे रखा है, आर दे रखा है 176 ओम, ठीक है। ये कह रहा है कि जैसे कि 176 ओम है, टोटल आई दिया है, आई टोटल आपको दे रखा है और वी टोटल भी दे रखा है आपको, फाइव एम्पियर और 220। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, पहले समझ लीजिए। देखिए आपने अक्सर शादी विवाह में देखा होगा वो रेड वाले बल्ब ना इस तरीके से एक लाइन में ऐसे जुड़े होते हैं, वो सीरीज में नहीं होते, पैरेलल में होते, लेकिन ऐसे कनेक्ट होते हैं। कह रहा है कि एक बल्ब या एक की पावर रेजिस्टेंस है 176 ओम, तो बताओ ऐसे कितने बल्ब जोड़े जाएंगे, डॉट डॉट डॉट, कितने बल्ब जोड़े जाएंगे। बल्ब की संख्या पूछ रहा है कि जब उनको टोटल किया जाए तो सप्लाई से करंट जो है सप्लाई से केवल 5 एम्पीयर जा रहा हो और उसके वोल्टेज जो होगा केवल 220 होना चाहिए। तो बल्ब की संख्या पूछ रहा है कि कितने बल्ब आप जोड़ सकते हो कि इससे ज्यादा नहीं देना चाहिए उसको, तो बल्ब की संख्या पूछ रहा है। ये बताओ ये टोटल करंट दिया है, ये टोटल वी दिया है, तो टोटल आर को निकाला जा सकता है ना आसानी से कि पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए ओम्स लॉ अप्लाई करिए, देखिए रेजिस्टेंस आर टोटल पूरे सर्किट का टोटल यानी जितने भी बल्ब लगेंगे उनका टोटल रेजिस्टेंस का सम कितना आने वाला है। देखो V अपॉन आई हो जाएगा, V इक्वल आई आर, देखो V इक्वल आई आर होता है, ठीक है। तो आप R निकालो V अपॉन आई, तो V की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट और I की वैल्यू कितनी दी है 5 एम्पियर, आप कैंसिल करिए 5 4 जा 20 ओम। यानी ये कहना चाह रहा है बेटा चाहे वो 10 बल्ब जोड़ता चाहे 20 जुड़ेगा जितनी भी संख्या आएगी उन टोटल को जोड़ने पर कितना आएगा 44 ओम। अब आइए और कह रहा है उनको पैरेलल में जोड़ना है, तो देखिएगा ये है आर, अगर मान लेते हैं 1/RP निकालते तो क्या होता बेटा 1/R1 होता। अब R1 की वैल्यू कितनी है 1/76, ये एक रेजिस्टेंस का हुआ। आप बताओ सारे रेजिस्टेंस सेम है ना, तो अगर दो रेजिस्टेंस के निकालने के लिए लगाते तो क्या करते 2 से मल्टीप्लाई, 3 रेजिस्टेंस होता तो किससे मल्टीप्लाई करते, 3 से 4 होता तो 4 रेजिस्टेंस, लेकिन हमें रेजिस्टेंस की संख्या नहीं पता ना। मान लेते हैं कि कितने बल्ब जुड़े थे n, तो n का रेजिस्टेंस कितना होगा n/176, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये लिख दिया लेट लेट यहां लिख देते हैं, तो लेट n बल्ब का n रेजिस्टेंस या आर यस रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर मान लेते हैं पैरेलल का सिंबल ऐसा होता है, मैंने ड्रॉ कर दिया उसमें, एक रेजिस्टेंस का ये था तो एन रेजिस्टेंस का क्या होता 1/RP = 1/76 मल्टीप्लाई एन कर दीजिए। अब आप देखिए इसको उल्टा करिए तो आर पी इक्वल क्या हो जाएगा 176/N, ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस आ गया। और आपने ऑलरेडी टोटल रेजिस्टेंस निकाल रखा है कितना 44, यहां पर आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, ये डिवाइड है इधर आगे मल्टीप्लाई, 44 मल्टीप्लाई एन और इज इक्वल कितना, और ये 44 इधर जाता है चलो यहीं से कट कर दो, 44 बन जा 44, यहां 4 आया, एन मतलब कितना 4, यानी कितने रेजिस्टेंस थे 4 रेजिस्टेंस थे जिनको किसमें जोड़ा जाएगा पैनल में, तब उनका टोटल करंट सप्लाई कितना होता 5 एम्पियर और उनका वोल्टेज सप्लाई कितना होता 220। तो बल्ब रेजिस्टेंस की संख्या कितनी हो गई 4, इसमें यूनिट मत लगाना क्योंकि नंबर है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं डेटा बदल सकता है बस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का हिंट दे दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 4 हीट का रेशियो निकाल रहा है, मैं तुम्हें ट्रिक बता दे रहा हूं सुन लीजिए। जब भी हीट का रेशियो पूछता है तो आप अगर ऊपर रेजिस्टेंस लेते हैं तो यहां पर जो रेजिस्टेंस ऊपर हीट इन सीरीज रेजिस्टेंस लेते हैं
तो यहाँ जो रेजिस्टेंस आएगा वो पैरेलल का आएगा, और अगर आप पैरेलल लिख रहे हैं हीट इन पैरेलल तो वहां पर रेजिस्टेंस आएगा सीरीज का। ठीक है, चलो सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको इसको भी। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसने कहा है टू कंडक्टिंग वायर्स टू रेजिस्टेंस है। मतलब आप सोचो, पहले आप देखो, अगर आप दो रेजिस्टेंस आर वन और आर टू लेते हो, अगर उन दोनों को जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो अभी आज सुबह ही बताया था पैरेलल के लिए इन्हीं दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई, और दोनों सेम है, सेम है तो आर आर, तो आर और इन्हीं दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हुआ। तो आर आर क्या हुआ, आर स्क्वायर नीचे कितना आ गया टू आर। अगर आप इन्हें पैरेलल में जोड़ दे तो क्या होता बच्चों, सीरीज में जोड़ दे तो क्या होता आर प्लस आर, तो कितना हुआ टू आर। अब वैल्यू रख दो ना, देखो आर पी की वैल्यू कितनी है आर स्क्वायर बाय टू आर, जबकि आपके पास आर सीरीज की वैल्यू कितनी है टू आर। ठीक है, यहां सॉल्व करिए आर स्क्वायर बाय टू आर, और यहां क्या हो जाएगा इसके नीचे वन है, वन अपॉन टू आर, आर 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 स्क्वायर दोनों कैंसिल, तो वन अपॉन फोर आया, तो एच एस अपॉन एच पी। ये ट्रिक है, आप समझ जाओ डायरेक्टली निकालने का, हीट इन रेजिस्टेंस सीरीज, हीट इन पैरेलल का रेशियो, इनके रेजिस्टेंस का अपोजिट हो जाएगा, ये पैरेलल लेंगे तो ये सीरीज लेंगे। चेक करो सीरीज में, तो यहां पैरेलल का रेजिस्टेंस पैरेलल है तो सीरीज डायरेक्ट रख दो, हो गया तीन देता तो तीन कर लेते जी, इस तरीके से इनका क्वेश्चन हो जाता है आसानी से। ठीक है, अगेन अब करते हैं क्वेश्चन आपका 73 इजी, मैंने बता दिया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा है, कह रहा है बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टर्स। देखिए एक 9 वोल्ट की बैटरी है, समझने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इनको कनेक्ट किया गया बच्चे डिफरेंट रजिस्टर से। रजिस्टर देखिए क्या है, 0.2 0.3 0.4 0.5 एंड 12 0.2 0.3 0.4 0.5 कितने रजिस्टर्स थे, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 एक और ले लीजिए। ठीक है, इनको जोड़ दिया गया 9 वोल्ट सप्लाई से, यह है 0.2 यह 0.3 एक 12 था ओम में है सारे डेटा, और एक 0.4 भी है और 0.5 भी है, सारे डेटा ओम में लेना है आपको क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, इनको जोड़ दिया गया। क्वेश्चन ये है आपका, हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टेंस, ये बताइए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्टेटमेंट बताया सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो जो करंट ये सप्लाई देगा यहां से वही इसमें भी होगा, वही इसमें भी होगा, वही इसमें भी होगा, वही इसमें भी होगा और वही इसमें भी, यानी अगर आपको टोटल ये पता लग जाए कि ये सोर्स जो है कितना करंट दे रहा है वही करंट इसमें जाएगा, तो आपके लिए क्या करना है, टोटल सप्लाई दिया है टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, तो जब सारे सीरीज में जुड़े तो आर सीरीज कितना होगा, सबका सम 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12 आप ऐड कर दीजिए। देखो 0.2 0.3 0.5 0.5 और 0.5 जुड़ करके 1 हो जाएगा, 1 और 12 13.4 ये टोटल आपका क्या है रेजिस्टेंस है। अब आपके पास टोटल कितना भी है 9 वोल्ट, आपको करंट चाहिए ओम्स लॉ V इक्वल आई आर, तो V अपॉन आर क्या होगा I, V की वैल्यू कितनी है 9, इसकी वैल्यू है 13.4, आप इसका पॉइंट डाउन नीचे 10 ऊपर ले जाओ तो 90 होगा अपॉन इतना डिवाइड करिए आंसर आएगा आपका टोटल करंट सप्लाई का सोर्स से। फिर आप स्टेटमेंट लिखना जो भी आएगा, फिर आप लिखना कि करंट इन 12 ओम, करंट इन 12 ओम इज इक्वल टू जो यहां आएगा, रीजन देना बिकॉज इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मींस करंट चेंज नहीं होता इसलिए वही करंट लेंगे। इसका आएगा कर लेते हैं 0.90 समथिंग एम्पियर आएगा, आप चेक कर लेना। ठीक है, ये आएगा तो यही यहां पर आएगा 0.67 एम्पियर, रीजन देना, रीजन कि करंट विल रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर कहता 0.5 बताओ तब भी आंसर यही होता, 0.4 में कहता तब भी आंसर यही होता। लेकिन एक चीज और है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जोड़ रहा हूं आपके नॉलेज के लिए, सुनिएगा। अगर ये कहता कि यार 12 ओम में भी बताओ, V इन 12 ओम पोटेंशियल डिफरेंस बताओ 12 ओम में, ध्यान से सुनना, ध्यान से इसमें क्या भी बताओ, तो क्योंकि सीरीज में चूंकि आप जानते हो कि इसमें भी सब में अलग अलग होगा, यानी यहाँ 9 वोल्ट है ना, तो यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, तो अगर तुम्हें इसका निकालना है तो इसका रेजिस्टेंस कितना है 12 और इसका करंट कितना है, तार आसानी से निकल आएगा।
वी इक्वल आई आर, ये आर लेना और ये करंट लेना, डिवाइड कर देना आ जाएगा। अगर आपको निकालना वी इन 12 ओम, तो देखिए वी इक्वल क्या होगा, आई आर, आई की वैल्यू कौन लोगे, जो यहां जा रहा है इसमें कौन सी करंट जा रही है 0.67 समथिंग, और रेजिस्टेंस इसी का ले लो, आ गया। आप क्रॉस चेक भी आंसर कर सकते हो, आप सभी का अलग अलग निकाल सकते हो। अगर आप इसका कहता बताओ इसमें कितना वोल्टेज जा रहा है, तो आर क्या लेंगे 0.3, करंट यही रहेगा इसका आ जाएगा। सबको सॉल्व करने के बाद याद रहना, जब सबको सॉल्व करोगे ना, जैसे सभी का आपने निकाल लिया इंडिविजुअल की 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 12 में जितना भी ओम आएगा, ये भी आएगा, उन सबको सम करोगे 9 ही होना चाहिए, क्योंकि सोर्स तो इतना ही दे रहा है ना भाई, सोर्स से जो चलेगा वो सप्लाई उतना ही तो सम में डिवाइड होगा ना, सम में अलग भले है लेकिन आएगा सम उतना ही। ऐसे समझो ना, आपके पापा ने क्या किया, 3 बच्चों में प्रॉपर्टी अलग अलग बांट दी, किसी को 10 लाख दिया, किसी को 15 करोड़, किसी को 25, लेकिन टोटल अगर सम करेंगे तो उतना ही रहेगा ना, जितनी पापा के पास थी वो बदलेगा नहीं। ऐसे यहाँ पर सोर्स जितनी सप्लाई देगा उतना ही रहेगा सम में, जितना बटेगा अलग अलग अमाउंट में, तो आप ऐसे क्रॉस आंसर चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम देखते हैं कोई प्रॉब्लम आएगा तो उस पर अगेन कुछ टॉपिक का वीडियो बन जाएगा, आपको समझा दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, गुड डे, मेहनत करते रहिए।